गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आप सब यार ढेर सारी बीआईएम की ओपनिंग्स लेके आया हूँ, और बीआईएम की ओपनिंग्स दिल्ली के लिए लाया हूँ, मुंबई के लिए लाया हूँ, नोएडा के लिए लाया हूँ, गुड़गांव के लिए लाया हूँ। कल कुछ बच्चे कमेंट करते कि सर दिल्ली के लिए ओपनिंग्स नहीं रहती क्या। तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह कि जब आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं कमेंट देख के ही वीडियो बनाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चल रही है। तो प्लीज इस बात से कंजूसी मत किया करो कि ओपनिंग्स कहाँ की चाहिए आपको। दिल्ली की ओपनिंग चाहिए जिससे कमेंट कर दो ना सर दिल्ली, किसी को मुंबई की ओपनिंग चाहिए सर मुंबई, किसी की पुणे में चाहिए सर पुणे, नागपुर, इतना वर्ड भी आपने लिख दिया, पुणे, नागपुर, बैंगलोर। तो मेरे जब मैं नया सर्च करता हूँ भाई कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, तो सिंपली वो चीज दिमाग में रखता हूँ, अच्छा हाँ यार यहाँ के लिए लोगों ने बोला था तो वहां के लिए मैं सर्च करता हूँ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट कि आपको बैंगलोर की ओपनिंग चाहिए, नागपुर के लिए चाहिए, औरंगाबाद के लिए चाहिए, कहीं के लिए चाहिए। एक लाइन लिखने में क्या जाता है आपका, उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि फिर मैं देखता हूँ अच्छा यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, वहां की ओपनिंग सर्च करता हूँ, वहां की जो बेस्ट ओपनिंग्स रहती है आपके सामने लेके आऊंगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड आज एक गुड न्यूज भी है, जल्दी से दिखाता हूँ क्या गुड न्यूज है। उससे पहले आप लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है गाइस। तो एक ओपनिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, कैनॉट टेक सर्विस इन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बीआईएम मॉड्यूलर की ओपनिंग से 2 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन डेबिट, मतलब समझ जाओ कि पोर्टफोलियो को पूरा गेम होने वाला है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो का अच्छा नॉलेज है तो आप बिना किसी झिझक के आप इस कंपनी में अप्लाई कर दीजिए। और जो सैलरी पैकेज दे रहे हैं ये 15,000 से स्टार्ट करें, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो भी चलेगा। नीचे यहाँ लिखा भी है उन्होंने कि 1 ईयर एक्सपीरियंस भी प्रीफर्ड, दैट मीन गो फ्रेशर भी चलेगा। ओपनिंग्स है ऑलरेडी, आप चाहे तो इनसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो ऑफिशियल टाइम पे, और इनके सैलरी पैकेज आपको ठीक ठाक दिख रही है, तो इनके यहाँ पर फटाफट अप्लाई कर दीजिए आप चाहे तो, अगर डेली में ओपनिंग्स देख रहे हैं तो। एक और ओपनिंग डेली में देखा मैंने, वहां पर अच्छी लगी मुझे, श्रीनिवास टेक्नोलॉजी में, इनके यहाँ पर बीएम मॉड्यूलर चाहिए इनको। बीएम मॉड्यूलर मतलब मोर इन टू गाइज फ्रेशर्स होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से सर्च करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल रहे, आप कितने साल का एक्सपीरियंस हो। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम बताया था, मैं सर 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, किसी ने 1 साल बोला था, किसी ने फ्रेशर बोला था, तो मुझे दिमाग में रहता है कि अच्छा ऐसे सर्च करना है, बट डोंट फॉरगेट कि मुझे कहाँ के लिए अपनी सर्च करना है, ठीक है। और 3 to 5 ईयर का इनको एक्सपीरियंस जैसे मांगा है, बीटेक इनको चाहिए कि आप रहे, और सब मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर रेबिट आर्किटेक्चर आपका अच्छा है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और इसके बाद है क्रिएटिव ग्रुप्स, जिसके यहाँ पर बीम डिजाइनर चाहिए इनको, बीम आर्किटेक्ट चाहिए, इनमें क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन बीआईएम, ऑटोकैड, रैबिट, हमारे गुरुकुल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबको ये आराम से रटा होगा पूरा इनका काम, ठीक है गाइस। जो भी आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं कि इनके यहाँ पर इनको क्या क्या चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा कैट, रैबिट अप टू डेट, उसके बाद कैट एप्लीकेशन, बीआईएम एप्लीकेशन के बारे में, ये सब मैं 4 महीने की पूरी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ, सबको लगभग पता है गुरुकुल बैच के बारे में। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि गुरुकुल की एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, और वो हो रही है 5th ऑफ जनवरी से। कब से स्टार्ट हो रही है? 5th ऑफ जनवरी से। आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो कि सर वो न्यू बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे सर, और कब से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या है, फुल डिटेल आप यहाँ पर ले सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से आप यूनिक सिविल का ऐप डाउनलोड किए ही होगे, तो किए होगे तो मैसेज करके भी आप नंबर ले सकते हो और बात कर सकते हो। गुरुकुल की न्यू बैच में बहुत कुछ नया एक्स ऑन किया हुआ है, तो आप इंक्वायरी कर लीजिए भाई सर क्या क्या सिखाने वाले हैं। वैसे मैं सेमिनार्स करूंगा कि क्या क्या सिखाने वाले हैं, बट आप पहले कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा सेमिनार्स कब है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके भी आप टाइम ले सकते हैं कि सर क्या कैसे पढ़ाएंगे, तो आई कैन एक्सप्लेन यू कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप बीआईएम एकदम फ्री हो गए हैं कि भाई मुझे बीआईएम में ही करियर बनाना है, सर जो आप ओपनिंग्स बताते हैं इसके लिए मैं वेल सुटेड रहूँ, तो भाई आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि 5th ऑफ जनवरी की क्लास मिस मत करिए, 2024 को बहुत ही बेहतरीन बनाइए विथ योर नॉलेज, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं, बीआईएम डिजाइनर के बाद नेक्स्ट ओपनिंग है गाइस एटकिंस में। एटकिंस वन ऑफ द बेस्ट और सबसे टफ कंपनियों में से इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और लेकिन इनके यहाँ पर जो पैकेज होता है बहुत शानदार होता है, ठीक है, तो आप इनके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एटकिंस के आप देखिए इनके यहाँ पर क्या चाहिए, इनको बीएम 360 चाहिए, इनको सीडी लाइक जैसे कि एसीसी के प्रोजेक्ट चाहिए, इनको चाहिए कि आप ऑटोकैड आता रहे, नेविसवर्क आता रहे, एक्सेल आता रहे, वर्ड आता रहे, ठीक है, तो मतलब काम इनका बेहतरीन रहता है, जीए ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको गुरुकुल में सिखाता हूँ, क्योंकि सब सीखने के लिए 4 महीने तो लगेगा गाइस, इसलिए 4 महीने की पूरी ट्रेनिंग रहती है। आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले लो कि कब कैसे सर वेबिनार करने वाले हैं, आपको फुल डिटेल पता चिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइस बी मॉड्यूलर्स के लिए। बी मॉड्यूलर्स ने सेंट्रॉयड इंफ्रा डिजाइन कर कंपनी है, इस कंपनी में जो ओपनिंग्स है वो बी मॉड्यूलर की है। इनका ज्यादा काम नहीं समझ आया, मतलब बहुत हल्का ही काम है, बहुत ज्यादा टफ नहीं दिख रहा है इनको। रेबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी का अच्छा नॉलेज है, तो आप इनके यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया भी इन्होंने
कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्लैश डिडक्शन का अच्छा नॉलेज है नेविस वर्क के अंदर, तो फिर वेल एंड गुड है, और फिर आपको जॉब लगता है बहुत आसान है इनके यहाँ पर। ठीक है जी, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ठीक है आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है परसिस्टेंट कंसल्टेंट सर्विसेज आर्ट्स बिया मॉड्यूलर के लिए चाहिए इनको। इन्होंने सीधे मेल आईडी दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो और कवर लेटर अटैच करो और टिक कर दो, मतलब अप्लाई कर दो। ठीक है जी, अच्छा खासा पैकेज भी दे रहे हैं, ठीक है, और कैड ड्राफ्टिंग डिजाइन और इंटीरियर डिजाइनिंग और हाई क्वालिटी और कॉस्ट डायमेंशन ऑफ ब्रांड, मतलब पोर्टफोलियो आप भेजेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। बिना पोर्टफोलियो के और बिना अच्छे पोर्टफोलियो के गाइस आप क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग नहीं पा सकते हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है, ठीक है, आप उस पर अगर आप मेल कर देंगे और यहाँ नीचे कमेंट कर देंगे कि सर मेरा पोर्टफोलियो प्लीज चेक कर लीजिए, तो गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग एट डी जीमेल डॉट कॉम पर आप भेज सकते हैं और मेरे पास आ जाएगा। मैं इसी वीडियो के अंदर ही आपको दिखा दूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बेटर है, क्या और बेटर हो सकता है। ठीक है जी, तो आप चाहे तो चेक करा लें या फिर कमेंट कर दीजिए सर मुझे चेक कराना है, तो हमारी टीम आपको लाइक कॉल करके कॉन्टेक्ट खुद ही करके आपको बता देगी कि आपके रिज्यूम में कितना बेटर है और कितना और बेटर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो ओपनिंग से गाइस वो है कैपस्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके यहाँ पर जो रही वी मॉडलर की ओपनिंग है इनके यहाँ पर, ठीक है, और ये नोएडा के अंदर है। अच्छी बात है, आज मैंने थोड़ा सा दिल्ली नोएडा गुड़गांव को ज्यादा प्रीफर किया क्योंकि कल कई लोगों ने दिल्ली दिल्ली करके कमेंट किया था, तो आप लोग अभी जहाँ का कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं बेस्ट ओपनिंग्स। तो गाइस रेविट इनको चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, नेविस वर्क चाहिए, ऐसे पढ़ा करो। उसके बाद एचबीएससी का अच्छा नॉलेज चाहिए इनको, मतलब इनको रेविट एमवीपी भी लगने वाला है, ठीक है, अगर आपके पास है नॉलेज इन सब का तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए और नोएडा में आप अच्छी कंपनी के अंदर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गैस वो आईसीआरसी, इस कंपनी का मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है, ठीक है, आप सर्च कर लीजिए। उसे सिविल थ्री नेविस वर्क और ऑटो कैड और रेविट के ऊपर इनका नॉलेज था, मतलब रिक्वायरमेंट था, तो हमने कहा ये तो लगभग सबको ही आता होगा, तो आप अप्लाई कर दीजिए और अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो जाइए इंटरव्यू दीजिए और अपने घर को उज्जवल बनाइए, मतलब सबके अंदर खुशियां बांटिए। SACPL कंपनी है, जूनियर बीएम डिजाइनर की ओपनिंग है इनके यहाँ पर, और इनको चाहिए और सिर्फ डिग्री चाहिए, और साफ साफ दिख रहा है कि ये सर्टिफाइड कोर्स इन बीएम कोर्स जैसे हम लोग के पास ऑलरेडी लोग करते हैं, और उसके बाद रैपिड ऑटोकैड का नॉलेज चाहिए। अभी तो आप चुटकी में ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि कंपनी मुंबई के अंदर है जहाँ पे और भी बहुत ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस हुआ है एटकिंस रेल्स करके कंपनी है, इनके यहाँ पर बेड मॉड्यूलर की ओपनिंग है, मुंबई के अंदर है, ठीक है, और देख लीजिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या भाई, ठीक है, इन्होंने अपनी टीम के बारे में बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या रहेंगी, कैड ड्राइंग्स, वही सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, माइक्रो स्टेशन, रेबिट, ठीक है, और सिविल स्ट्रक्चरल और एमईपी के प्लम्बिंग अगर आपको आ रहे तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। तो सिंपल काम है, हर जगह का काम लगभग लगभग देख रहे होंगे सिमिलर सिमिलर है, कहीं कुछ नया नहीं है। हाँ इनके यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि इन्होंने यूके और स्टैंडर्ड्स, क्योंकि शायद ये यूएस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स भी आपको आना चाहिए, तो मच बेटर रहेगा। आपको बीएम स्टैंडर्ड्स चाहिए तो बताइएगा, हम आपको दे देंगे। फॉरेन के जो भी कोर्स चाहिए होते हैं, लाइक जो भी फॉरेन के जो स्टैंडर्ड है, किस कंट्री का स्टैंडर्ड चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मेरे पास हर कंट्री का लगभग 18 कंट्री के आसपास का स्टैंडर्ड है, आपको जिस कंट्री का चाहिए हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस कंट्री का चाहिए, आप कैसे करेंगे, आप यूनिसिविल ऐप के अंदर, अगर आपके पास ऐप है तो, या नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, आप यहाँ से ऐप में मैसेज कर दीजिए सर मुझे दिल्ली के लिए, सॉरी मुझे इंडिया का स्टैंडर्ड चाहिए या फिर मुझे यूएस का चाहिए, जहाँ का भी चाहिए आप कमेंट करेंगे, हमारे टीम के पास ही डाटा है तो भेज देंगे तुरंत आपको फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ओपनिंग से गई वो है बी मॉड्यूलर के लिए रेविट डिजाइनर, ऑटोकैड डिजाइनर, मतलब मिक्स प्रोफाइल है ये कोलकाता के लिए, कोलकाता वाले बड़े ही अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने काफी बार कमेंट किया था, मैंने कहा चलो कोलकाता के लिए तो जरूर सर्च करना चाहिए हम लोग को अपनी। तो कोलकाता में गए, यहाँ पर इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऑटो कैड का अच्छा नॉलेज चाहिए, रेविट का अच्छा नॉलेज चाहिए, नेविस्वर का अच्छा नॉलेज चाहिए, इतना है, तो बेझिझक आप इनके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई होके शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो मुझे जरूर बताइएगा सर मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, और किसी का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो भी बताया करिए प्लीज कि आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर कॉल आया जो भी आता है रिस्पॉन्स बताओ, कि मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कैटरास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, जिनको बी मॉड्यूलर की ओपनिंग चाहिए, मतलब है, और बीटेक भी इनकी रिक्वायरमेंट है, अब स्वाभाविक सी बात है अगर बीटेक भी इन्होंने लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस रहे, बीटेक भी लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इनको इस सॉफ्टवेयर से मतलब है, आपके पास इस सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अगर है तो अब देखो इन्होंने लिखा अप टू 7 LPA, मतलब जरूरी नहीं कि 7 हो, 3 LPA भी आपको दे सकते हैं, 4 LPA भी दे सकते हैं,
जो एज पर योर परफॉर्मेंस रहेगा। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है कंट्रास्ट में ही, दूसरा प्रोफाइल है पीआई मॉड्यूलर के लिए चाहिए इनको, कोलकाता के अंदर ये प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं मॉड्यूलर के प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हूँ और आपको नॉर्मल वर्क पीआईएम का आता है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो ओपनिंग साथ पूरा बीआईएम की ओपनिंग्स लेके आया, नेक्स्ट जो ओपनिंग्स लेके आया वो औरंगाबाद के लिए, काफी दिन से नहीं ला रहा था ओपनिंग्स क्योंकि ज्यादा कमेंट नहीं मिल रहे थे औरंगाबाद के लिए। तो आप औरंगाबाद के लिए चाहिए ओपनिंग्स बताइएगा। एक्सलाइज करके कंपनी है जो औरंगाबाद की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। यहाँ पर दो ओपनिंग चल रही है, एक तो चल रही है बीम इंजीनियर बीम लीड की, जो आपको जिनकी रिक्वायरमेंट ये है सामने दिख रहा है आपको, एचवीसी आना चाहिए, प्लम्बिंग्स आना चाहिए, और ये और एक ओपनिंग जो है वो सीधे इन्होंने दिया हुआ है जॉब्स एडिडेट xlize.com। कुछ करना ही नहीं है, अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो और कवर लेटर लगाओ और अप्लाई कर दो, डायरेक्ट कंपनी के अंदर जा रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है रैबिट फैमिली क्रिएटर की। फैमिली क्रिएटर मतलब कौन सी फैमिली समझ रहे हैं ना, रैबिट की फैमिली की बात हो रही है। तो रैबिट की फैमिली क्रिएटर की अगर ओपनिंग्स आप देखना चाहते हैं तो आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सलाइज में ही रैबिट फैमिली क्रिएटर की ओपनिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर ही ओपनिंग्स है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, देखिए आप लिखा भी है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पैरामेट्रिक फैमिलीज और ग्लोबल पैरामीटर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब कुल मिला के रैबिट का फैमिली के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास रैबिट फैमिली का नॉलेज है, विदाउट एनी टेंशन फटाफट इनके अप्लाई कर दीजिए। अब इससे समझ आता है कि इनका मंडे टू फ्राइडे वर्क है, मतलब अच्छा आपको सैटरडे संडे का ऑफ मिल जाएगा, और मॉर्निंग शिफ्ट है, मतलब सुबह सुबह ड्रॉप करके छुट्टी जाएंगे, मतलब एक पक्का ये बाहर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं लोग एक्सलाइज वाले, तो आप उनके आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो जॉब ओपनिंग्स है गाइस वो लास्ट ओपनिंग्स है आपकी बी मॉड्यूलर के लिए औरंगाबाद में ही, इकोविस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में मैंने पहली बार देखा, तो अगर आप इस कंपनी में किसी को इंक्वायरी इंफॉर्मेशन है तो कमेंट करिएगा। डिग्री चाहिए इनको, डिप्लोमा चाहिए, जो भी आपके पास है कर दीजिए, 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस सफिशियंट इनके लिए। गाइस बी एम मॉड्यूलर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी डिप्लोमा होती है, ठीक है। तो कोई आपको बहका रहा है आपके दिमाग में वायरस भर रहा है कि नहीं, क्या बोलते हैं डिग्री चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, ये देखो सामने लिखा हुआ है डिप्लोमा और डिग्री फॉर बी एम मॉड्यूलर, डिप्लोमा एंड डिग्री इज द सफिशियंट, ठीक है, और मास्टर्स का कोई आवश्यकता ही नहीं होता है। चलिए ये थे ओपनिंग्स, होप आपको अच्छे लगे होंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ के लिए ओपनिंग सर्च कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप लोग गुरुकुल की बैच में आना चाहते हो जहाँ पर परफेक्ट बीआईएम सिखाया जाता है आपको डेप्थ लेवल पे, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी ले लो, सिलेबस मंगवा लो, सारा इन्फॉर्मेशन ले लो, रजिस्टर्ड कर लो। 5th of January से बैच स्टार्ट है। कब से जनवरी से स्टार्ट है? 5th of January से बैच स्टार्ट है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।